हेलो, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द फातिमास किचन। आज हम बनाने वाले हैं शादी वाला चावल का ज़रदा, जिसमें हमने दिया है ऑरेंज फ्लेवर, मतलब हमने इसमें ऑरेंज का जूस निकाल के डाला है। उससे बहुत ही खट्टा मीठा फ्लेवर आता है जो काफ़ी अच्छा लगता है। तो चलिए इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है चावल 500 ग्राम। इसे मैंने 1 घंटे पहले भिगा के रखा था और इसका पानी मैंने पूरा अलग करके इसे रख दिया है। फिर यहाँ पे मैं ले रही हूँ 300 ग्राम शक्कर। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा शक्कर डाल सकते हैं। घी ले रही हूँ यहाँ पे मैं 1 कटोरी। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक और ज़्यादा लेना चाहें तो ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 से 3 बड़े ऑरेंज का जूस निकाल के रखा हुआ है। अगर आप ज़्यादा खट्टा मीठा पसंद करते हैं तो आप इसमें और भी ऑरेंज का जूस निकाल के रख सकते हैं। कुछ खड़े गर्म मसाले ले रहे हैं हम, जैसे कि 1 कलमी है, 2 से 3 इलायची है, 3 से 4 यहाँ पे लौंग है। इसे आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, खड़े गरम मसाले का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। फिर यहाँ पे मैंने ऑरेंज फूड कलर लिया है, 1/2 चम्मच हम कलर लेंगे। यहाँ पे मैंने इलायची पाउडर लिया है, 1 चम्मच लेने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट्स ले रही हूँ, मेरे पास जो भी ड्राई फ्रूट्स थे वो मैं ले रही हूँ। आपके पास भी जो ड्राई फ्रूट्स घर में हो आप वो इस्तेमाल कर लीजिए। सबसे आखिर में मैं यहाँ पानी ले रही हूँ, 3 गुना ज़्यादा मैंने यहाँ पे पानी लिया है, जितना हमने चावल लिया है उससे ज़्यादा पानी हम लेने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने पानी को बॉईल होने के लिए चढ़ा दिया है। जैसे ही हमारे पानी में जोश आ गया था मैंने इस पे 1 चम्मच भर के घी डाल दिया है और साथ में ही फूड कलर डाल दिया है और इसे पकने के लिए छोड़ दिया है। तो जैसे ही हमारा पानी अच्छे से बॉईल हो जाता है मैंने इसमें चावल डाल दिया है। याद रखिए हमें यहाँ पे चावल को सिर्फ 80% तक ही कुक करना है, बाकी के 20% हम इसे बाद में कुक करेंगे। जैसे ही हमारा चावल 80% कुक हो जाएगा हम इसे छान लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे चावल को छान लिया है, इसका पूरा पानी हमने अलग करके रख लिया है। फिर यहाँ पे एक पैन में मैं घी गर्म कर ले रही हूँ। मैंने यहाँ पे 3 से 4 बड़े चम्मच घी के डाले हैं। घी जैसे ही हमारा गर्म हो जाएगा हम इसमें खड़े गर्म मसाले डाल देंगे। खड़े गरम मसाले से काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ जाता है, तो खड़े गरम मसाले आप कभी भी स्किप मत कीजिए। फिर यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट्स डाल दे रही हूँ। अभी मैं 1/2 ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। आप अगर ज़्यादा फ्राई वाले ड्राई फ्रूट्स पसंद करते हैं तो आप सारे भी डाल सकते हैं, बट 1/2 मैं अभी डाल रही हूँ, 1/2 हम लास्ट में डालेंगे और इसे हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो जैसे ही हमारे ड्राई फ्रूट्स फ्राई हो जाएंगे हमने जो चावल उबाल के रखे हैं हम इसमें मिक्स कर देंगे और इसे अच्छी तरीके से हम चला लेंगे। हल्के हल्के हाथों से चलाइए ताकि जो चावल के दाने हैं वो टूट ना जाए। अच्छी तरीके से हम इसे मिक्स कर लेते हैं। फिर 2 मिनट के बाद में हम इसमें शक्कर मिक्स कर देंगे और फिर इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से आप इसे मिक्स करिए और जब ये मिक्स हो जाए तो हम इसे दम में रख देंगे 5 से 6 मिनट के लिए। तब तक हमारी शक्कर भी घुल जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसकी लिड लगा दी है। अब इसे मैं 5 मिनट के लिए लिड लगा के छोड़ देती हूँ। तो 5 मिनट के बाद में देखिए शक्कर पूरी तरीके से घुल चुकी है इसमें और चावल भी हमारे पक चुके हैं। इसे मैं छोटी स्पून से इसलिए चला रही हूँ ताकि जो चावल के दाने हैं वो टूट ना जाए। तो अब यहाँ पर मैं इसमें डाल दूँगी ऑरेंज जूस जो हमने निकाल के रखा था। हमने इसे 80% तक कुक किया था, शक्कर डालने के बाद में ये 90% तक कुक हो गया है। अब हम इसमें ऑरेंज जूस डाल रहे हैं तो ये 10% और कुक हो जाएगा। अब मैं इसे फिर से एक बार लिड लगा दूंगी और 5 मिनट्स के लिए मैं इसे और दम में रख दूंगी। तो 5 मिनट्स के बाद में देखिए मैंने इसमें इलायची पाउडर भी डाल दिया है जिससे काफ़ी अच्छी खुशबू आ जाती है। अब इसे भी मैं हल्के हाथों से मिक्स कर दूँगी। फिर मैं इसे 2 मिनट के लिए और दम में रखूंगी लीड लगाने के बाद। तो ये देखिए ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब जो बाकी हमने बचा के रखे थे ड्राई फ्रूट्स वो भी मैं अब इसमें ऐड कर देती हूँ। तो ये अब बिल्कुल तैयार है। सो नाज़रीन, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले ताकि आपको मेरी हर एक नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। फिर आऊँगी इंशाल्लाह मैं अपनी नई रेसिपी के साथ में। अल्लाह हाफिज़।